अब महेंद्रगढ़ का किला दिखाते हैं तुम्हें, ठीक है भाई? देखिए, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, देखो ये भाई है हमारे, ये भी महेंद्रगढ़ का किला दिखने आए हैं, और ये तो आपको पता ही है ये कौन है, हैं जीतू भाई है। देखो दिखाते हैं यहाँ की कलाकारी आपको, ये यहाँ का भाई ये किला है, ये यहाँ पे पहले लाइट वाइट की व्यवस्था रखते होंगे वो, और इसकी छत ऐसी है, इधर की वॉल दिखा दे रहा हूँ। देखो ये इस हिसाब से ट्रैक करी गई है कि यहाँ का जो कलर दिखाई दे रहा है तुम्हें, या देखो क्या ऐसा दिखाई देने लग रहा है, और यहाँ का दिखाई देखो, देखो यहाँ पे बस नेचुरल लाइट है वो उसके हिसाब से लगाई गई है, और यहाँ देखो नो लाइटिंग, बस ये खुद की वैसे ही कलाकारी दिखाई गई है तुम्हें, ठीक है? और आगे अगर मैं तुमको ले जाऊँ तो आगे नहीं चलता, और यहाँ अब तुम्हें इसका बाहर का वो दिखा देता हूँ सिस्टम, बाहर का सिस्टम कैसा है। अब दूसरे अगर हॉल की बात करें, मुझे लगता है भाई पूजा वूजा के लिए बनाया है इन्होंने, देखो ऐसा इसकी ये छत है, ये साइड है, और इसका जो नीचे है पत्थर लगा हुआ है, उसके हिसाब से अब तुम्हें बाहर का दिखा देते हैं। ये इसमें जो कमरे हैं ना वो थोड़े छोटे छोटे टाइप में, ये नेचुरल पत्थर की साइड है भाई, नो पेंट, ये पत्थर की टाइलिंग है, ये पत्थर की चमक है, ये इसकी छत है भाई ऐसी, ये लाइट लगा रखी है अब तो इन्होंने, और ये इसकी वॉल है, और ये वही है भाई राजा महाराजाओं के टाइप की किवाड़ है। और फिर आगे तुम्हें इधर अगर मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है सन, अगर मैं इधर की बात करूँ तो मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आई, आप बताना क्या है अभी। ये दीवार आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर भी स्पेस है ये रहा। अब ये है, ये एक किस लिए स्पेस बनाया गया, ये मेरी समझ से थोड़ा बाहर है, ज़रा बता दो तुम किस लिए बनाया है। यहाँ पे आपको ये जगह दे रखी है, ये वाली ऐसे ही कर दे रखी है। तो अब अगर मैं बात करूँ गेट की, तो ये गेट है कुछ इस टाइप का, ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये तो मैं अलवारी है इसके लिए, ठीक है? एक बार मैं बंद कर देता हूँ, खिड़की टाइप में है ये, और ये आपको पता ही है भी आगे का फ्रेम, ठीक है?